हेलो स्टूडेंट्स, वार्म वेलकम टू यू ऑल इन अवर चैनल कृषि ट्यूटोरियल्स। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं बीएससी एजी फोर्थ सेमेस्टर का पोल्ट्री प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट के अंतर्गत ग्रेडिंग, हैंडलिंग एंड प्रिजर्वेशन ऑफ एग एंड मीट। मतलब कैसे अंडे और मांस का ग्रेडिंग किया जाता है, छटाई की जाती है, उसके बाद उसका हैंडलिंग कैसे किया जाता है, उसके साथ उसका प्रिजर्वेशन कैसे किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस टॉपिक पढ़ा जाएगा। हो सकता है स्टूडेंट्स ये टॉपिक थोड़ा लंबा हो जाए, लेकिन हम लोग स्टडी करना है तो करेंगे ही। तो स्टूडेंट्स, आइए हम लोग स्टडी करते हैं ग्रेडिंग, हैंडलिंग एंड प्रिजर्वेशन ऑफ एग एंड मीट। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अंडे और ब्रॉयलर का प्रोडक्शन हमारे देश में बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। उसके साथ ही इसमें कई प्रकार के मतलब कि हमें देखने को मिलते हैं। तो कस्टमर और प्रोड्यूसर के हिसाब से, कस्टमर और जो मतलब उत्पादक है और जो उपभोक्ता है, उनके हिसाब से यह देखा जाता है कि कैसी क्वालिटी है, कैसा प्रोडक्ट है, उस हिसाब से उसका ग्रेड किया जाता है, उसका हैंडल किया जाता है, उसको प्रिजर्व किया जाता है। तो इसी के बारे में हम लोग पढ़ा जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर ग्रेडिंग नहीं किया जाएगा तो सभी को सभी के मन लायक प्रोडक्ट्स नहीं मिल पाएंगे। तो स्टूडेंट, जैसा क्या देखा जाए, ग्रेडिंग ऑफ एग एंड मीट। कॉमर्शियली ग्रेडिंग ऑफ एग मीट एंड देयर प्रोडक्ट्स इज आल्सो स्टेप्स इन अक्रॉस द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। मतलब ये प्रोडक्ट के क्वालिटी के अंतर्गत आता है। इससे क्या होता है कि प्राइस और स्टोरेज स्टेबिलिटी अच्छी बढ़ती है। जैसे कि हम अगर अच्छे प्रोडक्ट्स को पहले से ग्रेड कर देंगे तो क्या वो ज्यादा दिन तक टिक सकता है, उसकी प्राइस हमें अच्छी मिल सकती है। तो इसलिए ग्रेडिंग किया जाता है। और ग्रेडिंग इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड एंड कंसीडर्ड यूजफुल इन मार्केटिंग ऑफ एनी प्रोडक्ट। किसी भी प्रोडक्ट को मार्केट में बेचने के लिए अगर उसकी ग्रेडिंग की जाए तो वो मार्केटिंग के लिए अच्छा प्रोडक्ट और अच्छा इनकम देता है। तो स्टूडेंट्स, आइए हम लोग देखते हैं ग्रेडिंग और सॉर्टिंग ऑफ एग्स। क्या अंडे का ग्रेडिंग और सॉर्टिंग? तो जैसा कि यह बेस्ट है कि अंडे को आपको स्टोर में भेजने के लिए या फिर तो उसे खाने के लिए या सेल करने के लिए बेचने से पहले, सबसे पहले उसे क्या कैंडलाइज करना चाहिए। क्या कैंडलाइज करना चाहिए? जिससे क्या होता है, एक मशीन होती है या ब्राइट लाइट होता है, क्या एक ब्राइट लाइट होता है या फिर इलेक्ट्रिक बल्ब के आगे इसे लगा के देखना चाहिए, उसे कैंडलिंग करना चाहिए। और उससे क्या पता चलता है हम लोग को, फायदा होता है कि जो क्रेक्ड अंडा है, मतलब फूटा हुआ अंडा है या फिर तो कोई और खराब अंडा है, जैसे कि किसी में ब्लड स्पॉट रह गया, खून का धब्बा रह गया या मीट का स्पॉट रह गया किसी अंडे में, तो वो आसानी से हम लोग पता किया जा सकता है। इसमें क्या होता है कि आप अपने दो उंगली से अंडे को पकड़ लीजिए और जहां से लाइट आ रही है तेज, जो लाइट, उस पर रख दीजिए। उससे पता चल जाता है कि आपका अंडा ठीक है कि नहीं। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पर एक कैंडलिंग ऑफ एग किया जा रहा है। तो इस स्क्रीन में क्या है, देखिए, यह एक लाइट मशीनरी है, इसमें से लाइट तेजी से आ रहा है, वहां पर इसने एग को पकड़ के रखा हुआ है। उससे क्या हो रहा है, इस हिसाब से एग को पकड़ा जाता है और इससे लाइट जब पास करती है तो ऑटोमेटिक अगर किसी प्रकार की खराबी होगी अंडे में तो वह नॉर्मली पता चल जाता है। तो स्टूडेंट्स, इस हिसाब से ग्रेडिंग किया जाता है अंडे का। तो आगे हम लोग देखा जाए डिफरेंट ग्रेड ऑफ टेबल एग, मतलब जो टेबल एग है उसका डिफरेंट ग्रेड कैसे किया जाता है। तो एक क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक कई प्रकार से होते हैं, जैसे कि साइज, वेट, सेल कलर, सेल थिकनेस, ब्लड एंड मीट स्पॉट, इंटीरियर एग क्वालिटी, योक कलर, इतने तरीके से इसमें चेकिंग की जाती है। उसके बाद अगर बड़ा अंडा रहेगा तो उसका ज्यादा प्राइस मिलेगा, छोटा अंडा रहेगा तो उसका छोटा प्राइस मिलेगा। सेल क्वालिटी जैसी रहेगी उस हिसाब से उसका स्टोरेज देखा जाता है, मतलब कि उसके ऊपर का जो छिलका जितना अच्छा रहेगा उसकी स्टोरेज क्वालिटी उतनी अच्छी होती है, उससे डिपेंड करता है। और कुछ लोग सेल क्वालिटी को ही देखकर कंज्यूमर जो है वो प्रिफरेंस करते हैं, खरीदते हैं। डार्क येलो कलर्ड यॉल्क, मतलब जो अगर गाढ़ा यॉल्क रहेगा अंदर वाला हिस्सा तो वो प्रिफर्ड करते हैं, डल और लाइट वाले को कम प्रिफर्ड करते हैं। उसके बाद ब्राउन एग, जो भूरा वाला अंडा है उसको लोग खरीदना पसंद करते हैं सफेद वाले की अपेक्षा। उसके बाद जो एग्रीकल्चर मार्केटिंग एडवाइजर और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसने क्या किया है कि टेबल एग को ग्रेडिंग करने के लिए कुछ रूल्स लाए हैं 1968 के हिसाब से, जो कि एग मार्क के द्वारा किया जाता है। क्या ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स BIS ग्रेडिंग कराती है। उसके साथ ही मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग एग मार्क, क्या एग मार्क,
इस पर कंटेनर पर मुहर लगाती है कि ये इस हिसाब से, जैसे कि आपके सामने एक टेबल दिख रहा है, इसमें क्या है, एक ग्रेड BIS के द्वारा और एक मार्क के द्वारा इसमें ग्रेडिंग होता है। जैसे ग्रेड क्या है, ए एक्स्ट्रा लार्ज, ए लार्ज, ए मीडियम, ए स्मॉल, बी एक्स्ट्रा लार्ज, बी लार्ज, बी मीडियम, बी स्मॉल, ये कुल मिला के 8 स्टैंडर्ड्स दिए हुए हैं। इसमें क्या है, अंडे का ग्राम के हिसाब से किया गया है, 60 ग्राम से ऊपर वाले को ए एक्स्ट्रा लार्ज, 53 से 59, 45 से 52 मीडियम वाले को, 53 से 59 लार्ज वाले को, 38 से 44 ग्राम स्मॉल वाले को, इस हिसाब से ये टेबल में दिया गया है। तो स्टूडेंट्स आगे हम लोग देखें कि इनके एक दर्जन एक का वेट इतना इतना है, तो आप सभी देख सकते हैं। सेल की क्वालिटी क्या, जो ए एक्स्ट्रा ए वाले क्वालिटी में उसमें क्या है, क्लियर है, कोई फूटा हुआ नहीं है, साउंड है, अच्छा दिख रहा है, सेप भी ठीक है, नॉर्मल है। इसमें क्या है, क्लीन टू मॉडरेट है, साफ है, स्ट्रेंड है, साउंड है, स्लाइटली एबनॉर्मल, लेकिन थोड़ा मोड़ा दिक्कत आ जाता है इसमें। आगे एयर सेल 4 mm की डेप्थ तक रेगुलर या बेटर होता है, उसके बाद इसमें 8 mm की डेप्थ तक स्लाइटली बल्बी होता है, बबली होता है, थोड़ा सा बबल के अंदर अंदर में बबल आ जाता है। व्हाइट की बात करें, रंग की बात करें, तो क्लियर रीजनेबल भी एकदम बिल्कुल अच्छा होता है, क्लियर लेकिन कभी कभी खराब भी होने का मतलब थोड़ा सा अलग भी चेंज होता है। इसमें जो यॉर्क होता है वो बिल्कुल सेंटर में होता है और जो कोई भी डिफेक्ट्स होते हैं नहीं होते। और आगे जो है, इसमें कभी कभी सेंटर से अलग हो सकता है यॉर्क और इधर उधर भी थोड़ा सा आउटलाइन देखा जा सकता है इसमें। आगे हम लोग बात करें ड्रेस्ड ब्रॉयलर चिकन की ग्रेडिंग के बारे में, तो इसकी ग्रेडिंग कैसे की जाती है। तो ड्रेस्ड ब्रॉयलर चिकन मतलब पहले से जो साफ सुथरे कर दिए गए, मतलब यूज भोजन के यूज लायक कर दिए गए हैं, उसे साफ सुथरा करके काट पीट के, तो उसमें क्या होता है, इनकी ग्रेडिंग की जाती है इनके गिबलेट के हिसाब से, क्या गिबलेट, उसके बाद ड्रेसिंग परसेंटेज, ड्रेस्ड वेट डिवाइडेड बाय लाइव बर्ड्स एंड मल्टीप्लाइड बाय 100। इसमें क्या होता है कि ड्रेसिंग परसेंटेज कैसे निकालता है, तो ड्रेसिंग वेट डिवाइडेड बाय लाइव वेट, जो ड्रेसिंग वेट होता है मतलब जितना वेट हम लोग साफ सुथरा कर दिए उसके बाद, तो वो वेट जो मतलब हमारा जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं उसके बाद जो लाइव बर्ड का वेट था वो, तो एल से हम लोग दिखाते हैं, उसके बाद जो हम लोग का नॉर्मली रेट है वो, उसके साथ उसमें क्या करते हैं 100 से इंटू करते हैं, तो 100 से इंटू करते हैं। उसके बाद आगे बात किया जाए तो दो ग्रेड का इसमें होता है, पहला ग्रेड 1, दूसरा ग्रेड 2, क्या दो ग्रेडिंग में बात किए जाते हैं। तो ग्रेड 1 में क्या होता है कि ड्रेस्ड चिकन होता है फ्री फ्रॉम डिफॉर्मिटी, किसी प्रकार की डिफॉर्मिटीज नहीं होती, इसमें राउंडेड फ्रेशली बेस्ट होता है, बिल्कुल अच्छा होता है, फैट अच्छे से सब जगह होता है, कोई भी फिदर के पार्टिकल्स नहीं होते, उसके बाद किसी भी प्रकार का कट या टीयर्स नहीं होता। और इसमें क्या होता है, इसमें बिना ड्रेस्ड के चिकन होते हैं, स्लाइटली एबनॉर्मल भी हो सकते हैं, कर्व्ड ब्रेस्ट मतलब जैसे किसी में लंगड़ा ब्रेस्ट है तो वो भी चल सकता है, उसके साथ ही देखा जाए तो फैट की मात्रा कम हो सकती है, कहीं कहीं पर फीडर के पार्टिकल्स देखे जा सकते हैं, उसके बाद कहीं पर कट पीट या फिर टीयर्स भी लगे होते हैं। तो इस हिसाब से दो ग्रेड इसका किया जाता है। उसके बाद बात किया जाए कि इसमें कुछ और क्वालिटी ग्रेडिंग होती है, इनके देखने के हिसाब से, रंग के आधार पर, इनके फ्लेवर के आधार पर, जूस के आधार पर, टेंडरनेस उसके चिकनाहट के आधार पर, टेक्सचर के आधार पर, साल्टीनेस नमक के आधार पर, उसके स्वाद के आधार पर, तो ये सभी कुछ क्वालिटी थे। और करीबन 80% सोल्ड इज फ्रेशली ड्रेस्ड, मतलब जो तुरंत के कटे होते हैं वही 80% यहाँ पर बिकते हैं, चिल्ड वाले की कोई ग्रेडिंग नहीं की जाती यहाँ पर। आगे बात किया जाए हैंडलिंग ऑफ लाइव बर्ड एग एंड मीट, कि इनका हैंडलिंग कैसे किया था, मतलब इन्हें उठाकर एक जगह दूसरे जगह आसानी से कैसे ले जाकर, कैसे यहाँ से वहां ले जाया जाता है प्रोडक्ट को, ये सब देखा जाता है। तो इसमें क्या होता है हैंडलिंग में, सबसे पहले लाइव बर्ड की, जिंदा बर्ड की हैंडलिंग कैसे किया जाता है। तो स्टूडेंट्स आप सभी PDF तो पढ़ ही सकते हैं, लेकिन इसके लिए हम बस नॉर्मली आपको लेक्चर में समझाते हैं। जैसे कि आप सभी देखे होंगे कि मार्केट में यहाँ से एक जाली बनी हुई गाड़ियां जाती है, क्या एक जाली बनी हुई गाड़ियां जाती है, उसमें क्या होता है कि लोहे की जालियां बनी होती है या प्लास्टिक के डब्बे बने होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि कैरेट कहा जाता है, उसमें एक कैरेट में करीबन 15 से 20 एडल्ट बॉयलर को भरा जाता है, जिसका साइज क्या होता है 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और 0.6 मीटर ऊंचा। तो इसमें क्या होता है कि 6 से 8 घंटे तक इसमें उनको रख दिया जा सकता है। जैसे क्या होता है, यहाँ से गाड़ी वाले आते हैं, उनका जाली बना होता है
लोहे का, तो उसमें ये साइज होता है, इस साइज में 15 से 20 एडल्ट ब्रॉयलर को फिल करते हैं, उसके बाद यहाँ से अपने डायरेक्ट दुकान तक ले जाते हैं। तो इन्हें नॉर्मली बिल्कुल अच्छे से जेंटल किया जाता है, कोई क्रुएल्टी नहीं की जाती जिससे कि ये दुकान तक जाते थे मर न जाए। जैसे कि आप एक एग्जाम्पल देख सकते हैं, क्रेट है, यहाँ पर लाइव बर्ड्स को उठा के लेके जाया जा रहा है। उसका दूसरा है लेयर हाउस मैनेजमेंट, मतलब कंडीशन ऑफ एग दैट यू कलेक्ट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू हाउ वेल द फ्लॉक इज मैनेज, मतलब जो अंडे का कलेक्शन है वो इस पर डिपेंड करता है कि आप कैसे पक्षियों को मेंटेन करते हैं। तो अगर लेयर्स को अच्छे एनवायरमेंट में, सूखे एनवायरमेंट में रखा जाए तो जो एग है वो बिल्कुल साफ सुथरा आएगा। अगर कोई बाहर गंदी है, गंदा है, डर्टी है, डिम्प है, तो उसमें क्या होता है, दिक्कत होता है, और उससे क्या होता है, अंडा जो होता है वो गंदा हो जाता है, स्टेंड हो जाता है, फूटने का डर रहता है। तो इससे क्या होता है कि जो अगर नेस्ट बॉक्स है, मतलब उसको साफ कर दिया जाए तो हमें अंडा बिल्कुल अच्छे से मिलेगा, इसका मैनेजमेंट किया जाता है। अगर आज के बाद बात करें लेयर्स फार्म की, वहां पर ऑटोमेटिक सिस्टम बना होता है कि जिसमें मतलब जैसे जिस जाली में पक्षी है अगर अंडा दे तो ऑटोमेटिक अंडा वो सड़क के नीचे एक लाइन में चलाता है, जहां से वो उठा करके मतलब ले जाते हैं, फार्म वाले इकट्ठा कर लेते हैं। तो इस हिसाब से वहां पर मेंटेन होता है। उसके बाद क्या होता है, इसमें क्या होता है, एक बार या दो बार एक को क्या किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है, जैसे कि दो दो घंटे, तीन तीन घंटे पे एक एक बार इकट्ठा कर लिया जाता है आसानी से विदर के हिसाब से देख करके। उसके बाद दूसरा जो है एक क्लीनिंग एंड हैंडलिंग, अंडे को साफ करना और हैंडलिंग, अंडे को बिल्कुल बहुत आसानी से साफ करना चाहिए। उसको क्या होता है कि वायर प्लास्टिक वायर बास्केट में या फिर प्लास्टिक के एक फ्लैट में इकट्ठा करना चाहिए, एक बकेट होगा मतलब जो वायर का बना होगा उसमें इकट्ठा किया जाता है, या फिर तो किसी प्लास्टिक ट्रे जैसा होता है उसमें इकट्ठा किया जाता है। उसके बाद किसी भी प्रकार का मेटल रस्ट से बचाया जाता है कि उस पर कोई प्रकार का धब्बा ना लगे, या फिर किसी प्रकार का कंटामिनेशन ना हो, किसी प्रकार का इन्फेक्शन भी ना फैले। उसके बाद अगर आपको अंडे को साफ करना है तो अंडे को जैसे ही आपने इकट्ठा किया तुरंत से जल्दी उसे साफ कर देना चाहिए, जिससे कि उसके अंदर की क्वालिटी खराब ना हो। उसके बाद अगला जो प्रोडक्ट है, मतलब अगला जो है मीट प्रोडक्ट की कैसे की जाती है, तो मीट प्रोडक्ट में क्या है, ड्रेस्ड चिकन, जो मतलब पहले से तैयार किए गए चिकन है, तैयार किया गया मांस है, उसमें वैल्यू एडिशन के समय यह सब हैंडल्स देखा जाता है कि किसी प्रकार का उसमें इन्फेक्शन या फिर किसी प्रकार की गंदगी ना फैले, यदि एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे हैं। अगर ब्रॉयलर्स को साफ सुथरा किया जा रहा है तो यह इम्पोर्टेंट है कि उसे बिल्कुल देखा जाए कि किसी प्रकार का उसमें गंदगी या फिर किसी प्रकार का वायरस, बैक्टीरिया, किसी प्रकार का कोई भी बदलाव ना जाए। उसके बाद अगर किसी भी स्टेप में गलती होती है तो उसमें कई प्रकार की स्ट्रिक्ट हाइजेनिक प्रोडक्ट और दिक्कत आ सकती है, तो उससे क्या होता है, प्रोडक्ट का रिजेक्शन हो जाता है, प्रोडक्ट नहीं बिकेगा। अगला जो टॉपिक है वह प्रिजर्वेशन ऑफ एग एंड मीट, अंडे और मांस को कैसे प्रिजर्व किया जाता है। तो प्रिजर्व करने के लिए जैसे पहला हम लोग टॉपिक देखते हैं माइक प्रिजर्वेशन ऑफ एग, अंडे का प्रिजर्वेशन, अंडे का प्रिजर्वेशन इनकी क्वालिटी के हिसाब से देखा जाता है, मतलब क्वालिटी क्या होती है इनकी, साफ सुथरा के हिसाब से, उनके सेल के क्वालिटी के हिसाब से इनका प्रिजर्वेशन किया जाता है। क्यों? क्योंकि अगर क्वालिटी अच्छी होगी तभी कंज्यूमर जो होगा उसे खरीदेगा, अगर किसी भी प्रकार की उसमें दिक्कतें होंगी तो कंज्यूमर उसे खरीदने से अतरा जाता है, मतलब कतरा जाता है। उसके बाद प्रॉपर हैंडलिंग ऑफ एग कैन कंसीडर मिनिमाइज द डिक्लाइन इन सेल क्वालिटी, मतलब अगर बिल्कुल अच्छे से रखा जाए तो सेल क्वालिटी में बिल्कुल आसानी से अच्छे से रह पाएगा। आगे बात किया जाए, इवन एग्स आर गुड सेल क्वालिटी डेट्रोटेड बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ वाटर एंड CO2, अगर अंडे की सेल क्वालिटी अच्छी हो लेकिन उसमें पानी की कमी या CO2 कमी होगी तो भी कई प्रकार की दिक्कत, सेल पोर्स, उसके साथ माइक्रोबियल कंटामिनेशन, छोटे सूक्ष्म जीव का कंटामिनेशन होने का चांस रहता है। उसके बाद सभी प्रिजर्वेशन मेथड जो है वो एक सेल हैज बीन डिजाइन टू रिटार्ड वाटर एंड CO2 लॉस, इससे क्या होता है कि पानी की कमी या फिर तो CO2 की कमी हो जाती है। तो ये सभी कुछ प्रैक्टिसेस दिए गए हैं जो कि क्वालिटी ऑफ एग सेल को मेंटेन किया जाता है। जैसे पहला क्या है, ऑयल ट्रीटमेंट, क्या ऑयल ट्रीटमेंट किया जाता है, इसमें क्या होता है, ऑयल स्प्रे और कोटिंग ऑन एग बिकम पॉपुलर इन शॉर्ट टर्म स्टोर, छोटे समय के लिए यदि स्टोर करना है तो इसमें क्या होता है, ऑयल से इस पर स्प्रे कर दिया जाता है या कोटिंग कर दिया जाता है, जिससे कुछ घंटे तक अंडे को कार्बन डाइऑक्साइड के लॉस से बचाया जा सकता है। यह क्या होता है, CFTRI के द्वारा मेंटेन किया गया है, मतलब किस
कोटिंग किया जाता है, कोटिंग इज डन डिप्ड आयर इन कोकोनट ऑयल या स्पेशल एक कोटिंग ऑयल। कोकोनट ऑयल मतलब ये नारियल का तेल जो होता है, या फिर कोई एक स्पेशल एक कोटिंग ऑयल होता है जो कि CFTRI के द्वारा डेवलप किया गया है, वह उससे एक को क्या किया जाता है, कोटिंग किया जाता है। ऑयल ट्रीटमेंट जो होता है उससे क्या होता है, क्वालिटी ऑफ एल्बुमिन कम से कम 7 दिनों तक आराम से बचाया जा सकता है। दूसरा है थर्मो स्टेबिलाईजेशन। क्या थर्मो स्टेबिलाईजेशन, इस विधि में क्या होता है, प्रिजर्वेशन विधि में, इसमें स्टेबिलाईजेशन ऑफ एल्बुमिन क्वालिटी बाई होल्डिंग एग्स इन वाटर बाथ, मतलब गर्म पानी में इसे बाथ कराया जाता है, डुबोया जाता है 54 डिग्री सेल्सियस पर करीबन 15 मिनट के लिए, या फिर 60 डिग्री सेल्सियस पर 10 मिनट के लिए। इससे क्या होता है कि कोगुलेशन ऑफ आउटर थिन एल्बुमिन इन जस्ट बिलो द सेल, मतलब जो मतलब सेल है, छिलका है अंडे का, उसके नीचे पतली सी परत क्या होगी, उसका कोगुलेशन होगा, उस गर्मी से वो जम जाएगा, और जम जाएगा तो अंदर वाला जो हिस्सा रहेगा वो बिल्कुल मेंटेन रह जाता है जैसे का तैसे। तो इससे क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड या फिर मॉइस्चर का एस्केप नहीं हो पाता, वो वहीं वैसे ही मेंटेन रह जाता है। और इससे अगर 71 डिग्री सेल्सियस पर 2 से 3 सेकंड के लिए भी कर दिया जाए तो भी आसानी से हो जाता है। इस क्विक ट्रीटमेंट में क्या होता है कि बैक्टीरिया अगर सेल सरफेस पर होगा तो वो भी समाप्त हो जाएगा, और अंदर का जो एल्बुमिन लेयर होगा वो भी कोगुलेट हो जाएगा और एक को पूरा बिल्कुल सील कर देगा, बिल्कुल पैक कर देगा। तीसरा जो है इमर्सन ऑफ लिक्विड, मतलब किसी लिक्विड में इमर्सन डुबोना। तो ये क्या है, रोल कंडीशन की बात करें तो लाइम वाटर, क्या चूने वाला पानी जो है, या फिर वाटर ग्लास इमर्सन इज मोस्ट यूजफुल, मतलब लाइम वाटर या फिर वाटर ग्लास इमर्सन पानी में डुबोना। इसमें क्या होता है, चूने के पानी से ट्रीट किया जाता है। क्या 1 लीटर गर्म पानी में 1 किलो चूना डाला जाता है, उसके बाद इसे ठंडा होने दिया जाता है। अब 5 लीटर पानी में 250 ग्राम टेबल साल्ट, क्या 5 लीटर पानी में 250 ग्राम नमक डाला जाता है। द सोल्यूशन इज अलाउड टू पास थ्रू द फाइन क्लॉथ, इसे छान दिया जाता है, उसके बाद मिक्सचर को बिल्कुल शांत होने दिया जाता है। उसके बाद फिर अंडे को जो है उसमें डिबोया जाता है, पूरी रात रखा जाता है, उसके बाद नॉर्मल टेम्परेचर रूम टेम्परेचर पर, और फिर उसे सुबह क्या किया जाता है, निकाल लिया जाता है। इससे क्या होता है कि अंडे को करीबन 1 महीने तक नॉर्मल टेम्परेचर पर रखा जा सकता है। इन वाटर ग्लास ट्रीटमेंट में क्या होता है कि 1 पार्ट सोडियम सिलिकेट मिक्स किया जाता है 10 पार्ट वाटर से, मतलब 1 हिस्सा सोडियम सिलिकेट होगा तो 10 हिस्सा वाटर होगा, तो इसे मिला करके अंडे को रात भर डुबो के रखा जाता है। इस प्रक्रिया में क्या होता है कि अ थिन प्रेसिपिटेट ऑफ सिलिका इज डिपॉजिटेड ऑन द एग, एक सिलिका का जो एक लेयर है सिर के ऊपर चढ़ जाता है और जितने पोर्स हैं, जितने अंडे में छिद्र है उसको पैक कर देता है। अगला जो है प्रिजर्वेशन ऑफ मीट, मतलब मीट का कैसे प्रिजर्वेशन किया जा रहा है। तो द बेस्ट पोल्ट्री इज प्रिजर्व्ड इन डिफरेंट वे, कई तरीके से प्रिजर्व किया जाता है, जैसे कि ज्यादातर जो प्रिजर्वेशन है वह रेफ्रिजरेटर की मदद से या डीप फ्रीजर, बिल्कुल गहरे फ्रीजर जो हार्ड वाले फ्रीजर होते हैं उसमें किया जाता है, जिससे कि मीट की सेल्फ लाइफ बढ़ाई जा सके। ड्रेस्ट बॉयलर जो है उसे करीबन 4 डिग्री सेल्सियस पर फ्रीज किया जाता है और करीबन 10 दिन तक किया जा सकता है। अगर उसकी और लाइफ बढ़ानी है तो 0 डिग्री सेल्सियस पर 21 दिन तक फ्रीज करके रखा जा सकता है। उसके बाद सोडियम बेंजोनेट को भी ऐड किया जा सकता है, जिससे क्या होगा कि उसमें लाइफ बढ़ सकता है। ड्रेस चिकन को पैक किया जाता है, फ्रोजन किया जाता है 20 डिग्री सेल्सियस या -20 डिग्री सेल्सियस या उससे भी कम पे करीबन 6-6 महीने तक के लिए। क्या करीबन 6-6 महीने तक के लिए। यह भी पॉसिबल है कि ड्रेस्ड मीट को 7 दिनों तक रूम टेम्परेचर पर नॉर्मली रखा जा सकता है। उसके बाद इफ द चिकन हैज बीन क्यूर्ड एंड स्मोक्ड प्रॉपरली, अगर चिकन को बिल्कुल अच्छे से प्रॉपरली स्मोक्ड किया गया हो तो। स्मोकिंग से क्या होता है कि मीट की प्रिजर्वेशन में फैट डेंसिटी में थोड़ी प्रॉब्लम आती है, लेकिन वो अच्छा रहता है, मीट बच जाता है। पोल्ट्री मीट कैन बी कैंड, इसे कैंड किया जा सकता है। सच मीट कैन हैव लॉन्गर सेल्फ लाइफ, करीबन सालों साल तक चलता है अगर कैंड कर दिया जाए तो, डब्बे में पैक कर दिया जाए तो कंपनी के द्वारा। कुछ और प्रक्रिया है जैसे कि डिहाइड्रेशन, पानी सुखाना, इरेडिकेशन, इंटरमीडिएट मॉइस्चर मीट, कई प्रक्रियाओं से प्रिजर्वेशन किया जाता है। आप सभी देख सकते हैं रेफ्रिजरेशन और प्रिजर्वेशन सबसे अच्छा होता है फ्रीजिंग में, मतलब मीट को तो आप सभी जानते हैं कि अगर फ्रीजिंग किया जाए बिल्कुल 0 डिग्री सेल्सियस -20 डिग्री सेल्सियस पे तो ये बहुत दिनों तक आसानी से रह सकता है। तो स्टूडेंट्स आज हमने पढ़ लिया ग्रेडिंग, हैंडलिंग एंड प्रिजर्वेशन ऑफ एग एंड मीट।
तो स्टूडेंट्स अगले टॉपिक के लिए तैयार रहिएगा, हम लोग अगले टॉपिक में नए लेक्चर के साथ मिलेंगे। तो स्टूडेंट्स अगर आपके पास कोई डाउट हो या फिर आपके पास कोई सजेशन हो वीडियो से रिकॉर्डिंग, तो प्लीज कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको कोई किसी प्रकार का लेक्चर चाहिए तो प्लीज कमेंट बताइए, हम जल्द से जल्द लाने का प्रयास करेंगे। थैंक यू।